ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 53 ਲੱਖ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ 53 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਖੜੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਹੀਂ ਭਰ ਪਾ ਰਹੇ ਪਿਛਲੇ ਬਿੱਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੇ ਹੈਲਪ ਲਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਬਕਾਏ ਖੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ क्योंकि वह भर नहीं पा रहे क्योंकि बकाया तां खड़दा जे उहदे समर्था नहीं है। असी यही मापदंड रखे है कि बकाया तां खड़ा है जे समर्था नहीं है। जिहदे च बिल भरन की समर्था नहीं है उहदे वास्ते पंजाब सरकार है, उहदे वास्ते मैं, उहदे वास्ते असी सारे जणे खड़े हैं। तो उहदे सारे बिल असी अज पंजाब सरकार ने भरने हैं, उहनां दे अपने बिल माफ हो गए है। 55 लाख परिवार है, 53 लाख जिन्हां दे 2 किलोवाट तक का लोड है साढ़े सरकारी फिगर के अनुसार। डिफॉल्टर उन्हां दे जिन कोई भी डिफॉल्टर है जे 1 रुपये का चाहे वह 5 हज़ार का चाहे 50 हज़ार का, मैं देखिए कई तो 70-70 हज़ार के 1-1 लाख के 2-2 लाख के बिल चक्की फिरते हैं। कितने तो भरेगा गरीब आदमी? ये लोड अप्रोक्सीमेटली 1200 करोड़ रुपये के लगभग पंजाब सरकार को पैना। अजे इस तो ज़्यादा हो सकता है, ये अजे ऐसी कैलकुलेट। मैं कहना जी चाहे वह सारी उम्र का डिफॉल्टर है, किसी ने चाहे 50 साल के पैसे नहीं जमा कराए, चाहे 10 साल के नहीं कराए, चाहे 14 साल के नहीं कराए, चाहे 1 साल के नहीं कराए, चाहे 1 महीने के नहीं कराए, जेड़ा पिछला बिल आया किसी का उसे जेड़ा बकाया लग के आया वो सारा माफ। सर मैं तो फिर कह रहा थोड़े पास बकाया थोड़ा जे 14 साल का भी आ रहा थोड़े बिल में आ गया ना, वह अज थोड़े बिल च खड़ा है, वह जेड़ा थोड़ा बकाया खड़ा है वो असी उन्हूं दे रहे हैं। बिजली बोर्ड नूं पंजाब सरकार देगी, देना तो पेगा सानू, माफ नहीं होना, पंजाब सरकार आएगी अगे नूं। जे उहदे बाद बिल आएगा तो उहदे विच लिखिया होएगा कि आ इन्ना बकाया है जेड़ा कि पंजाब सरकार वालों दिता जाएगा कंज्यूमर नूं नहीं देण दी लोड़। 1200 करोड़ मैं फिर दस रहा जी, हर किसी का बिल किसी ना किसी दिन आया, चाहे 15 दिन पहला आया, चाहे 1 महीना पहला आया, चाहे कल आया, जब बिल आया पिछला असी पिछला बकाया देखना, जेडे इस महीने का अगला उन्होंने पैसा आएगा उन्होंने देना है, उन्होंने अगे नूं बिल जारी देने हैं। लेकिन जेड़ा पुराना बकाया खड़ा है जेड़ा कि जिदे करके लोग परेशान है, बिल नहीं दे पा रहे, उन्होंने कनैक्शन कट गए है। मेरे हल्के दे विच कंदोला टप्परियां पिंड है, मैनू क्यों चीज किस तरह मैं लोगों को मिले, उन्होंने मैंने क्या क्या दसिया। कंदोला टप्परियां पिंड है, वो एक बीबी है, वो एक मुंडा है, मेरे पास उन्होंने 25 चक्कर ला ले पिछले 2 महीने, अजे मैं मुख्यमंत्री नहीं बनया, वो मेरे पास रोने लग गए कि 70 हज़ार रुपया बिल मैं कितने दे दवा, गरीब जनानी है, विधवा है, मैं नहीं भर सकती, मेरा बकाए आ रहे। सीएम साहब इसका मैकेनिज्म की होएगा, मैकेनिज्म केवे एडजस्ट होंगे ऑफिसर्स को केवे तुसी ऐसी एक हर ब्लॉक तहसील लेवल ते कमेटी बना रहे जिदे विच एक अफसर एक सरकारी नुमाइंदा प्राइवेट रिप्रेजेंटेटिव चो ते एक उन्हां दे नाल बिजली बोर्ड का SDO या JEE या वो अपना नुमाइंदा लगावे, उन्हां नूं ये सारियां एप्लीकेशन दित्तियां जाणगियां, वो ये देखणगे कि 2 किलोवाट तक का लोड है इहदा बणदा है देना, उसी टाइम वेव हो जाएंगे जदों दरखास्त आ गई। दरखास्त दे फार्म भी असी भेजांगे, किसी दे कोई लोड नहीं पएगा, सरपंच साहबान ये साड़ी मदद करनगे, पंचायतां मदद करनगियां, हर किसी तो जिहदा 2 किलोवाट का लोड है उस तो वह वेव करन वास्ते फार्म भरवाउणगे, साड़ी कमेटी देख के उनू माफ कर दे। ये जद मैं कहता हो गया, अज तो शुरू हो गया, जिहदा अज तक बिल आया होया है उहदे जिन्ना बकाया खड़ा माफ। बकाए का मतलब फिर समझ लो कि रेगुलर बिल नहीं, जे इस महीने का आया वो बिल नहीं जो बकाया खड़ा है। सीएम साहब ये
बारे अगली जिहड़ी तुसीं गल पुछ रहे हो मैं अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस दसांगा दो या तीन दिनों के बाद कि किस तरह ऐसी आम बंदे का जिहड़ा बिल है उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं ताकि वह उस बिल जमा कराने की दिक्कत ना आवे उन्हें इन्ना पैसा पवे कि वह चंगा निर्वाह कर सके। देखो एक सब तो बड़ा चेक यह है कि 2 किलोवाट इकोनॉमिकली पूर ही लिंदा है कोई मिडिल क्लास के जेडे लोग है यही थोड़ी बिजली यूज कर सकते हैं जेडे अमीर आदमी उन्होंने तो 5-5 AC लगे हुए वह नहीं असं कर रहे चेक 2 किलोवाट जी का लोड है 2 किलोवाट काफ़ी कुछ आ जाता पक्के आ जाते कूलर आ जाता फ्रिज आ जाता टीवी आ जाता है तो कई बल्ब आ जाते हैं तो इस करके सफिशेंट वो हैगा तो रेगूलर अगे बिल देना पैना है लेकिन वो बिल दे विच भी ऐसी आने वाले दिन बड़ी छेती मीटिंग करके कुछ रायता देव बड़ी छेती असी रेत माफिया का बिलकुल खात्मा कर देंगे बड़ी छेती चाहे ओनू हफ्ता कह लो चाहे बस असी देखो दिन रात मेहनत विच लगे हुए हैं किस तरीके दे नाल सिस्टम नूं सुधारिया जाए एक पुराना नेक्सस है उन्हूं तोड़ना है और असीं उन्हूं तोड़न च कामयाब हो रहे हैं बड़ी छेती तुसीं देखोगे कि रेत माफिया खत्म हो जाना मैं नवीं पॉलिसी लेके आ रहा उहदी मेरी तैयारी चल रही है ये सारे मसले हल हो जाणगे तुसीं विश्वास रखो मैं अपनी गल कह ली है अज मैं बिजली दे बिलां तक सीमित है लेकिन ये एक राहत दिती है जिहड़ी कि आम गरीब आदमी नूं और मिडल क्लास के लोगों नूं जरूरी सी उन्हां दे बिजली दे बिल कट हो रहे बिजली दे बारे च मैं फिर 2-3 दिनों के बाद थोड़े नाल फिर मुखातब होऊंगा कि किस तरीके दे नाल ऐसी उन्हां नूं राहत देखो जेड़ा प्रधान होता है वो जो प्रधान होता है पार्टी का वो हेड होता है तो हेड ने परिवार में बैठकर अपनी मजबूती से बात रखकर अपनी बातों को आगे लेकर आना होता है सो मैंने आज भी सिद्धू साहब से टेलीफोन पे बात की है कि पार्टी सुप्रीम होती है सरकार पार्टी की आइडियोलॉजी को मानती है और उसको उसके ऊपर चलती है आप आओ बैठकर बात करो जिस तरीके से आपको कोई गलतियां लग रही हैं वो पहले भी आप कर सकते थे आप भी कर सकते प्रगट सिंह और कई मंत्री साहबान कल गए थे आज या कल बात हो जाएगी बैठकर वो उन पे डिपेंड करता है नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं है नहीं कोई कोशिश नहीं है इंटेंशनल कोई कोशिश नहीं है
तो उनको उनके साथ बात करेंगे बैठकर, जो भी बात होने वाली होगी हो जाएगी। बाकी ये है कुछ नहीं खत्म होता, कुछ नहीं खत्म होता। मैं इस ते कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन पंजाब दे लोकां दे मसलियां तो मैं थिड़कना नहीं है। मैं पंजाब दे लोकां वास्ते सी। देखो उन्होंने कहा आप बैठ के गल कर लांगे, लेकिन मैं थोनू उन्होंने मैनू ये भी कहा कि मैं थोनू टाइम दवांगा। देखो गल ये है कि एक स्पेशल प्रोसीक्यूटर ऐसी बहुत तकड़ा वकील और उदे नाल कोई 10 बंदियां दी होर टीम लभ रहे हैं जेड़े साढ़े इंपोर्टेंट मैसेज हैगे है, केस है, मामले है, उन्हां वास्ते पेश होण वास्ते एक स्पेशल टीम, एक स्पेशल प्रोसीक्यूटर लगेगा, उदे अंडर चलेगी। इस करके किसी तरह के शंके शुभा एटलीस्ट मेरे तो थोनू लोगों नू या पंजाब के लोगों नू नहीं होने चाहिए। पारदर्शी सारा कुछ काम होएगा, जो साढ़े कुलीग्स ने यार होर जिथे तो सानू फीडबैक मिली केड़े केड़े लगने चाहिए सी लगाए है, लेकिन पंजाब के लोगों के अनुसार ही फैसले होने। जे किसी लगेगा ये नहीं ला इनू ला, मैनू कोई इतराज नहीं है, मेरी कोई ईगो नहीं है किसी भी गल दे विच, मैं बिल्कुल क्लीयर है। जिस गल दे नाल लोकां दे विच कोई दंद चर्चा गलत जाती है, मैं उस गल तो कदे कोई बजिद नहीं होण नूं तैयार। हाँ, लेकिन मेरे जो मसले पंजाब दे लोकां दे जिन्हां वास्ते मैं लड़ाई करदा आ रहा, मैं वो लड़ाई तो पिछे नहीं हटांगा, एक इंच भी गुरु दे घर ते पिछे नहीं हटांगा। किसी तरह की गिरदारी या किसी तरह की बेईमानी या किसी तरह की करप्शन जिन्ने देर मैं मुख्यमंत्री नहीं होएगी, ये मैं बिल्कुल थोड़े विश्वास दे देना चाहूंगा। बहुत धन्यवाद। थैंक यू।